मध्य प्रदेश के धार जिले में पुलिस ने एक ऐसे शातिर अपराधी को गिरफ्तार किया है जिसने कई अधिकारियों और नेताओं के नंबरों से उनके अधीनस्थ अधिकारियों और कर्मचारियों को फोन लगाकर अपने काम निकलवाए थे। आरोपी उस वक्त पुलिस के हत्थे चढ़ गया जब उसने सागौर थाना प्रभारी को दो बार धार पुलिस अधीक्षक आदित्य प्रताप सिंह के नाम से उन्हीं के नंबर से फोन लगाकर अपने अंकल की शस्त्र विक्रय की फाइल पास करने के लिए दबाव बनाया। इस दौरान सागौर थाना प्रभारी को शक होने पर उन्होंने बार बार उस आवाज़ का परीक्षण कर यह पाया कि यह आवाज़ पुलिस अधीक्षक महोदय की नहीं है किंतु नंबर उन्हीं का है, बल्कि यह आवाज़ राजपाल नामक युवक की आवाज़ से काफ़ी मैच हो रही है जो खुद बार बार अपने अंकल की बंदूक की फाइल के लिए फ़ोन लगा रहा था। इस पर जांच करते हुए पुलिस ने पाया कि आरोपी राजपाल सिंह से, जो कि इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा है और अपने पिता के कंस्ट्रक्शन के व्यवसाय में लगा हुआ है, अपने मोबाइल में फेक कॉल एप्लीकेशन डाउनलोड करके अधिकारियों और नेताओं के नंबर से कॉल करके रोक झाड़ रहा है और अपने काम निकलवा रहा है। आरोपी से जब सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने अपना जुर्म कबूल लिया और बताया कि उसने अपने मोबाइल में एक फेक कॉल ऐप डाउनलोड कर रखा है जिसके द्वारा किसी के भी नंबर से किसी को भी फोन लगाया जा सकता है। उसने कई बार इंदौर क्षेत्र क्रमांक 2 के विधायक रमेश मेंदोला और अन्य कई वरिष्ठ अधिकारियों और नेताओं के नाम से फोन लगाकर अपने काम निकलवाए हैं, किंतु इस बार पुलिस अधीक्षक के नंबर का उपयोग करने पर वह पकड़ा गया। पीतमपुर से संजय सोनगरा की रिपोर्ट। सर वो एप्स, बहुत सारे एप्स देखे थे सर, फिर कॉल में तो सर वो याला एप्स अच्छा लगा तो इससे मैंने ट्राई करा सर। क्यों लगाते थे, क्या मिलता था इससे? सर कुछ भी नहीं मिलता था सर, काम होते भी थे नहीं भी होते थे। कितने लोगों को अभी तक लगा चुका? 12-13 लोग को लगाया सर। कब से कर रहे हो? सर हो गए 5-6 महीने। कहाँ पर रहते हो? पिपलिया। अच्छा, कौन कौन सा अधिकारी और नेताओं का नाम यूज कर रहे हो? एसपी साहब का और रमेश दादा का, बस और इनका ही। कैसे कहाँ तक पढ़ा हो आप? इंजीनियरिंग चल रही है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।